आलिया पे तो इस स्टोर से क्या उम्मीद है, मतलब यहाँ पे फैशनेबल कपड़े मिलेंगे, यशराज वाली साड़ियाँ मिलेंगी? आई थिंक यशराज वाली साड़ियाँ मिल गई तो आई थिंक सब लोग बहुत खुश हो गए। Everybody aspires to be a यशराज heroine at the end of the day, और I think दिवानी का जो भी collection, the whole point was जो fashion show भी हुआ था पहले was displaying how Yashji would display all his heroines. So it has a fusion of Indian elegance, romance, glamour, all of that. तो मैं यंग हूँ, मैं ग्लैमरस बनना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ होंगी और जो भी आउटफिट मुझे अच्छा लगेगा मैं पिक करूँगी। आलिया, आपके लिए फैशन क्या है, फैशन शब्द से आप कैसे क्या समझती हैं, परिभाषा क्या है फैशन? आई थिंक फैशन टू ईच इज ओन, आप अपना पर्सनैलिटी फैशन के थ्रू दिखा सकते हो एंड इफ यू आर अप टू डेट विद द फैशन तो अच्छा है, अगर आप नहीं हो तो वेबसाइट्स है जो आपको मार डालेंगे। बॉलीवुड में फैशन के कई सारे दौर हैं, पॉलिटिक्स में जो भी हलचलें हो रही है उन पे नजर रख रही है। हाँ, मुझे पॉलिटिक्स वाली प्रश्न ही पूछना ना, आलिया मिलेगी तो बस पॉलिटिक्स ही प्रश्न पूछना, मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कैबिनेट में 7 वुमेन मिनिस्टर्स आ चुके हैं आज, स्मृति ईरानी इज वन ऑफ देम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। ट्रिब्यूट टू ऑल मेजर लव स्टोरीज एंड इट्स अ फिल्मी लव स्टोरी एज पीपल से, एंड करण वेरी क्लियरली सेड दैट अगर आप लव स्टोरी के बारे में सोचोगे तो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर हेड इज डीडीएलजे बिकॉज इट्स सच एन एपिक लव स्टोरी। आजकल बॉलीवुड में बहुत सारी, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ यशराज हीरो, आई एम नॉट रीच्ड देयर येट बट होपफुली वन डे आई विल। आलिया, बॉलीवुड में आजकल काफी सारी एक्शन मूवीज बन रही है, फीमेल ओरिएंटेड एक्शन मूवीज बन रही है, तो कई सारी आ चुकी है अब तक देखा जाए तो, अगर कई सारी स्टंट वुमेन्स हैं जो कि आजकल परफॉर्म करी आप लोग की जगह पे तो उनके बारे में क्या राय है आपकी और किस तरीके से देखती है कि नो आप लोग को कहीं ना कहीं आपके पीछे का नो दी इमेज यू गाइस हैव फॉर द विमेन हु डू स्टंट्स फॉर या फॉर अबाउट देम। No, I think it's very important to have the right stunt woman, a body double, jo kehte hai. Obviously, actors, they have limitations, but they are also very important because at the end of the day, they are taking the risk, they are jumping off buildings, they are on the harness, they are doing whatever we have to do. But I definitely one day want to do an action film. I can't walk steady, but I can, hopefully one day I'll do a happy show.